हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिट नाइन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल टेक्निक की नेक्स्ट क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कार्टोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन, इकोनॉमिक डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप। जितने भी आर्थिक आंकड़े होते हैं उनको मानचित्र पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स होते हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे लाइन ग्राफ, जैसे बार ग्राफ, स्कैटर डायग्राम और स्टार डायग्राम, इस तरीके के जो भी सवाल हैं या जो भी डायग्राम हैं, क्लाइमेटोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ, ओगिलिव, कार्गोग्राफ, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ कार्टोग्राफी की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जीपीएस का जो सेशन है वो शुरू होंगे। आज कार्टोग्राफी की ये लास्ट क्लास है। जितना भी आपके सिलेबस में है, जो भी एग्ज़ाम में आता है, वो सारी चीज़ हमने कार्टोग्राफी की डिस्कस कर ली है। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट से सभी आ जाइए और मुझे बताइए क्या आप सभी तक ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर? ऑडियो वीडियो में कोई समस्या किसी को? क्लियर है? हम पूरी यूनिट 9 को, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को, इस इन फ्री सेशन में कवर करने वाले हैं। डेली क्लासेस का टाइमिंग सुबह 9 बजे रहता है। आज कुछ स्पेशल कंडीशन की वजह से हमने इसे 1 बजे रखा है, अदरवाइज तो डेली क्लास 9 बजे होती है। तो आप सभी डेली 9 बजे क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। 15 नवंबर से हमने ये बैच स्टार्ट किया है, ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए है। लक्ष्य बैच पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए है। मंजिल 35+ बैच है आपका पेपर 1 के लिए है। और बाकी आपके कुछ रिकॉर्डेड बैच भी हैं। आपको इनमें से किसी भी बैच में जुड़ना है और जुड़कर आसान, इंटरेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन करनी है यूजीसी नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, तो आप इनमें से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब किस बैच को ज्वाइन करना है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और फिर ज्वाइन करने के लिए आपको मेथड 1 या फिर मेथड 2 को इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इन बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इन सबसे रिलेटेड डिटेल एक बार ज़रूर देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, किस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। और ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है, ये कंप्लीट फ्री यूनिट है आप सभी के लिए। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो इस प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी को आपको सीक्वेंस में कवर करना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करेंगे तो फिर आपको समस्या होगी और फिर आप परेशान होंगे। और पेड ग्रुप से रिलेटेड एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेंगे, और कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्री PDF नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका नाम ज्योग्राफी विद अंकित है। यहाँ पर आपको क्लास के लिंक, क्लास से रिलेटेड अपडेट्स और फ्री PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर टेलीग्राम पर ज्योग्राफी विद अंकित सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आज हमारी कार्टोग्राफी का लास्ट क्लास है। डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 नाम लिखे हुए हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं से सवाल पूछता है? ऐसा नहीं है। इनका कहने का मतलब यह है कि ये तो इम्पॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे स्टार डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम है, क्लाइमोग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ, हीदर ग्राफ, ओगिलिव कार्गोग्राफ है, इन सबसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन सभी को देखेंगे, पहले समझते हैं कि यह है क्या, इस टॉपिक में आपको क्या करना है। आप इसको स्टैटिस्टिकल डाटा का रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, यानी कि जो भी आंकड़े हमारे पास हैं वो सांख्यिकी आंकड़े हैं, नंबर्स के फॉर्मेट में आंकड़े होते हैं। जब हम ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी में यानी कि अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, कॉमर्स में, सोशियोलॉजी में और नियोजन प्लानिंग में, इन सभी में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारा डाटा होता है। ठीक है, जो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंसान के लिए, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसके लिए तो हो सकता है कि थोड़ा आसान हो, लेकिन बाकियों के लिए वो बहुत मुश्किल डाटा होता है, इतना सारा डाटा है। जैसे आप डेमोग्राफी में ही देखिए या पॉपुलेशन ज्योग्राफी में,
तो जनसंख्या से संबंधित जो भी डाटा है, पूरे देश का, पूरे राज्य का, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट है, डिकेडियल ग्रोथ रेट है, तो इन सभी डाटा को कलेक्ट करना, समझना, और एक राज्य का डाटा मान लीजिए दूसरे से कंपेयर करना है तो कंपेयर करना, एनालिसिस करना, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना, ये इन नंबर्स के साथ बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं कि इन नंबर्स को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें देखते ही कोई ट्रेंड या एनालिसिस समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग स्टेट की डेंसिटी को कंपेयर करना है, तो हमने इस तरीके का बार डायग्राम बना दिया। देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये अगर कोई एक्स राज्य है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ये कोई अगर वाई राज्य है तो इसकी डेंसिटी कम है। तो डायग्राम बनाने से ये आसान बात होती है कि हमें देखने से ही आसानी से समझ में आ जाता है, और ना सिर्फ उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंसान को बल्कि एक जो आम जनमानस है उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। साथ ही इनको कंपेयर करना भी बहुत आसान होगा, रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होगा, और ये अच्छे दिखाई देंगे। डाटा बहुत बोरियत, मतलब ऐसे आपको ये चुभने वाले या बोरियत जैसे महसूस नहीं होंगे, बल्कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ताकि आप इसको देखकर समझ जाए एकदम। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सभी स्टैटिस्टिकल डाटा को या जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स के थ्रू और चार्ट्स के थ्रू। तो वो कौन कौन से डायग्राम्स हैं, कौन कौन से चार्ट्स हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें देखना है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि कितना किलोवाट किसी फैक्ट्री ने ये बिजली का कंजम्पशन किया है, उपभोग किया है, तो नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज इस तरफ लिखी है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ लिखी है। अब इसको कैलकुलेट करना फिर करना है, फिर उसको समझना है, फिर कंपेयर करना है, तो ये मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हम इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, अब डायग्राम्स देखिए तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये वन डायमेंशनल डायग्राम हो सकते हैं, एक विम या आरेख। टू डायमेंशनल डायग्राम्स हो सकते हैं, द्विविमीय आरेख, और त्रिविमीय डायग्राम हो सकते हैं, थ्री डायमेंशन डायग्राम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है अगर किसी डायग्राम की तो उसे थ्री डायमेंशन कहेंगे, लंबाई चौड़ाई है तो फिर उसे दो डायमेंशन कहेंगे, सिर्फ एक ही डायमेंशन है तो उसे आप वन डायमेंशन कह सकते हैं, जैसे डॉट मैप होता है, वन डायमेंशन डायग्राम इस प्रकार का आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं ये अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है लाइन ग्राफ या लाइन आरेख आप कह सकते हैं, लाइन डायग्राम कह सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इतने सारे सब के सब इन सभी डायग्राम को डिस्कस करने वाले। आपको यहाँ तक समझ में आया कि हम क्यों ये डायग्राम्स पढ़ रहे हैं, क्या इनका मतलब है, क्या इनकी कोई ज़रूरत है भी या नहीं है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले तो इसकी ज़रूरत या नीड आपको समझ में आनी चाहिए, है क्या ज़रूरत, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। पता चला कि आप पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही जब आप नोट्स भी बनाते हैं, नोट्स में अगर आप सिर्फ लिखते रहेंगे तो फिर वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग होंगे, आँखों को भी नहीं भाएंगे। लेकिन जब उन्हीं नोट्स में आप डायग्राम्स बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, फ्लो मैप बनाएंगे, मैप्स बनाएंगे, तब वो इंटरेस्टिंग होंगे। आपको रिविज़न करने में भी आसानी होगी, कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिख पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसलिए ये डायग्राम्स, स्केमेटिक्स, चार्ट्स सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे। सबसे पहला जो डायग्राम है वो है लाइन आरेख या रेखा आरेख, लाइन डायग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे एक तो बार डायग्राम होता है, ये आपने सुना ही है, ये है बार डायग्राम। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसमें, इसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री का कंजम्पशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने कितना इनकम किया है, एक्सपेंडिचर कितना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो कंपेरेबल है, जिसका हम कंपेरिजन या रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे पास वैल्यूज़ हैं या काफ़ी सारे हमारे पास पद हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और मान लीजिए कि वो वैल्यूज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे 28 राज्य हैं, है ना। इन सभी की डेंसिटी को हमें एक ग्राफ बना करके इस प्रकार का रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, इस तरफ हमने
डेंसिटी लिख दिए, आंकड़े लिख दिए, 10, 20 या 100, 200, 300, 400, इस तरीके से हमने 1000, 2000, 3000 तक, 1500 तक लिख दिया डेंसिटी, नहीं सॉरी 1000 तक लिखेंगे, ठीक है। और इतने सारे अगर राज्य हैं, अगर हम बार बनाएंगे इस तरीके का, बार क्या है, इसकी दो डायमेंशन है, चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, तो फिर जगह कम पड़ जाएगी। तो जहाँ पर ये वैल्यूज ज़्यादा होती हैं या फिर पद ज़्यादा होते हैं, तो हम बार बनाने के बजाय एक लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक लाइन, बस ऐसे लाइन खींच देते हैं वर्टिकल। अब ये लाइन की ऊंचाई कितनी होगी, जितनी उस पद की वैल्यू है, जैसे डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ऊंचाई ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम है तो ऊंचाई कम होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया, बस ये ध्यान रखना है लाइन ग्राफ और लाइन डायग्राम और बार डायग्राम एक ही चीज़ है, केवल अंतर इतना है कि जब हमारे पास पद मूल्य ज़्यादा होते हैं या वैल्यूज ज़्यादा होती हैं तो हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं, पद मूल्य अगर कम है, जैसे देखिए 5, 10 ही है, तो हम बार बना देते हैं, ये बार शेप आकृति बना देते हैं, इसके दो डायमेंशन होते हैं, बस इतना सा दोनों में अंतर है। वेन द नंबर ऑफ टर्म वैल्यू या जो पद वैल्यूज हैं उनका वो ज़्यादा होती हैं, डिस्प्ले करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम जगह कम होती है तो ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लाइन की लेंथ होती है, अब लेंथ कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि उस पद मूल्य की जो आंकड़ा है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या ऊंचाइयाँ खींची जाती हैं, ठीक है। और लेकिन दूराई इनकी समान होगी, जैसे हमने ये अगर बनाया है, दूराई सबकी एक समान होगी, जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ऊंचाई में अंतर हो सकता है क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। और इनके सामने यहाँ पर नाम लिख देना ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता लगता रहे ये किस राज्य के डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर ये डेंसिटी का ही नाम ले रहा हूँ, इसमें आप प्रोडक्शन का भी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कंपेरिजन, ये सब लिख सकते हैं। ये है लाइन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आता है दंड आरेख, यानी कि बार डायग्राम। बार डायग्राम और ये जो लाइन डायग्राम है दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, सिंपल सा वही बात है, अंतर केवल इतना है कि इसमें आपको लंबाई भी दिखाई देगी और इसकी चौड़ाई भी दिखाई देगी। अब जितने भी बार बनाए जाते हैं उन सब की चौड़ाई बराबर होगी, ऐसा नहीं कि किसी किसी बार की चौड़ाई कम है, किसी की ज़्यादा है। अब जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या कोई बार कम चौड़ा या कोई ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है? नहीं, सबकी चौड़ाई बराबर है, लंबाई में अंतर है। सैमसंग की जो सेल है सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, फिर ऐसे ही नोकिया है, फिर एप्पल है, एलजी है, तो जिसकी सेल जितनी कम है वो फिर डिक्रीज होता जा रहा है, सिंपल सी बात है। इसी में हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी से हम प्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग सालों का, इसी में हम बिजली की खपत भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पद कम है तो हम बार बना देते हैं, पद ज़्यादा है तो लाइन बना देते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी गई है और यही बताया गया कि क्या क्या रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इरिगेशन का कंपैरिजन, टोटल प्रोडक्शन कितना क्या है, ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है, इन सभी चीज़ों को ट्रेस किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं, यही सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास होता है पिरामिड आरेख, यानी कि पिरामिड डायग्राम। इसको पिरामिड डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गीजा के पिरामिड की तरह दिखता है, आप देखिए इसको, पिरामिड की तरह ये दिखता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली हम इसको पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डायग्राम है, डाटा है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है कि फीमेल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है या मेल, और उसमें भी अलग अलग ईयर्स है ना, एज ग्रुप्स हैं अलग अलग, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, इस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप के फीमेल और मेल का परसेंटेज कितना है, इसके द्वारा हम कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। और सिर्फ एज ग्रुप ही नहीं, हम इसमें लिटरेसी रेट भी कंपेयर कर सकते हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट कंपेयर कर सकते हैं, इसमें हम टोटल पॉपुलेशन कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, डेंसिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस पॉपुलेशन डायग्राम का इस्तेमाल या पिरामिड का इस्तेमाल किसके लिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, और अलग अलग एज ग्रुप को ये एक साथ कंपेयर कर सकता है, इसकी ये खास बात होती है।
अलग अलग एज ग्रुप को एक साथ कंपेयर कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको पॉपुलेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि अलग अलग सालों में, अलग अलग ईयर्स में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ था, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ है, या अलग अलग सालों में कंपेरिजन हमने कर दिया, या अलग अलग सालों में हमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट कर दिया। कर सकते हैं बाकी डाटा को भी रिप्रेजेंट, लेकिन मेनली जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको स्टैटिस्टिकल डाटा में, पॉपुलेशन के लिए ये मेन होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिरामिड के जैसा होता है, पिरामिड इसीलिए इसका नाम है, इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड मेनली जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है, बाकी और भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई सभी को बात। नेक्स्ट होता है जल बजट या जल संतुलन आरेख, यानी कि वाटर बजट बैलेंस डायग्राम। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम किसी स्थान पर वर्ष के भिन्न भिन्न महीनों में जल के अधिशेष अथवा डेफिसिट या अभाव की औसत दशाएं या मात्राओं को प्रकट करते हैं। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है ये ए, ठीक है, अब जाहिर सी बात है किसी भी क्षेत्र में एक साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे, तो किस महीने में वाटर की अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, सरप्लस में है, और किस महीने में ज़रूरत से कम है, डेफिसिट है, तो इनकी औसत दशाओं को किसी स्थान पे जल की मात्रा, पानी की अवेलेबिलिटी सरप्लस या डेफिसिट में है, तो इसकी एवरेज कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं वाटर बजट बैलेंस या डायग्राम के द्वारा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये डायग्राम बनाने से पहले हम सबसे पहले इसके लिए उस प्लेस की जहाँ का हमें डाटा रिप्रेजेंट करना है, हमें औसत मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें उस एरिया का पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन जो डाटा है वो कैलकुलेट करना होता है, और फिर हम उन दोनों डाटा को, जो एवरेज प्रेसिपिटेशन डाटा आया है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, इन दोनों को एक दूसरे से दंड आरेख बनाकर सुपर इम्पोज कर देते हैं, मतलब बार डायग्राम बनाते हैं और दोनों को एक साथ कंपेयर करने का प्रयास करते हैं कि प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है और कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ है। अब ये समझ रहे हैं आप कैसे, एक 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 बार बार होगा हमारे सामने। अभी जो बार डायग्राम है ये भी सिंपल बार डायग्राम है, ये मिक्स बाय डायग्राम भी हो सकता है। मिक्स का मतलब यह है कि दो चीज़ें एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज कि ये एक बार है, इसमें हमने ये बनाया प्रेसिपिटेशन के लिए कि कितना इनपुट हुआ, प्रेसिपिटेशन मतलब इनपुट, पानी कितना मिला, और हमने इवेपोट्रांसपिरेशन इसके साथ ही जोड़ दिया। ठीक है, कि जनवरी में ये प्रेसिपिटेशन हुआ है और ये इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन समझते हैं, वाष्पोत वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, मतलब कितना पानी सॉइल से और जो पेड़ पौधे हैं इनसे इवेपोरेट होके एटमोसफेयर में चला गया वापस, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, कितना इनपुट आउटपुट रहा है, तो हम इस मिक्स बार डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही क्या है, इसी को हम कह देंगे कि ये बजट, वाटर बजट या बैलेंस डायग्राम है, क्योंकि इसमें पानी का अवेलेबिलिटी और सरप्लस या डेफिसिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिंपल है। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका व्हील और पाई डायग्राम, चक्र या वृत्तारेख। पहले आप मुझे बताइए यहां तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या, क्लियर है यहाँ तक? तो आप, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम व्हील या पाई डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, व्हील या पाई, पाई या व्हील का मतलब होता है चक्र। ये देखिए, ये चक्र होता है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, बाकी तो हमने दो डिस्कस कर दिए हैं, बचा है ये। जब पूछा जाए कि सारी चीज़ समझ में आ गई हैं, तो आपको यस या नो बताना है, थम्स अप नहीं करना है। डाटा कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी किस राज्य की कितनी ज़्यादा है,
हमने क्या किया, 100-100 का इंटरवल ले लिया, 0, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे करते करते हमने 1000 तक का यहाँ पर इंटरवल करके बना दिया। किसी राज्य की डेंसिटी 400-500 है तो हमने यहाँ पर बना दिया, किसी की 300 है मान लीजिए तो यहाँ पर बना दिया, किसी की 900 है यहाँ बना दिया। ये तो आपने बनाया होगा ना BA या MA में, तो फिर ऐसे इसमें क्या परेशानी है, बनाना नहीं है आपको, बना बना के नहीं देखना। अब तो आपको यूजेस समझना है, ये है क्या और इसका यूज़ क्या है। अगर आप सारी चीज़ बनाकर अभी फिर से देखोगे तो फिर बहुत समय हो जाएगा, सब लोग आगे निकल जाएंगे, समझ रहे बात। तो इसलिए इसका समझना है कि ये है क्या डायग्राम और क्या हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब व्हील या पाई डायग्राम, व्हील या पाई डायग्राम क्या है, जो हमें एक चक्र के जैसा दिखाई दे रहा है, और कोई भी अगर सर्कल है या चक्र है, इसके कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री का ये कोण होता है। इसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मेनली इस्तेमाल होता है, वो है लैंड यूज़, भूमि उपयोग। कितनी भूमि का इस्तेमाल हम, मतलब कितने परसेंटेज भूमि है, इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है, या प्रति भूमि कितना है, फेलो लैंड कितना है, बैरन लैंड कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो इसके लिए हम व्हील या पाई डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखी है तो लैंड यूज़ को उसमें इसी व्हील या पाई डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में, ठीक है। और ये क्या है, ये द्विभूमि है, यानी कि टू डायमेंशन आकार है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल कितना क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अदर कल्टिवेटेड है, इस तरीके का ये लैंड है, ठीक है। कृषि पृष्ठभूमि, वन भूमि, कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि, प्रति भूमि, प्रति भूमि, ये अलग अलग एरिया है। पृष्ठभूमि के लिए इतना हेक्टेयर एरिया है, वन के लिए इतना हेक्टेयर एरिया है, कृषि के लिए जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए इतना हेक्टेयर एरिया है। टोटल कितना हेक्टेयर है, टोटल है 30.41 हेक्टेयर। थर्टी पॉइंट फोर वन हेक्टेयर का मतलब है कि 100% है, यानी 360 डिग्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनमें से ये एक अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग लैंड यूज़ जिसका इस्तेमाल हो रहा है, इतना एरिया है जिसके लिए, जो कि कृषि भूमि के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 6.6 हेक्टेयर एरिया है जो कि वनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे ये हेक्टेयर एरिया है, हमें निकालना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा इस सर्कल में, सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो ये हमने किया 14.02 इंटू 360। 360 क्यों, क्योंकि टोटल सर्कल का जो कोण होगा वो 360 होता है, और डिवाइडेड बाय 30.41, क्यों, क्योंकि टोटल हेक्टेयर एरिया कितना है, ये है, इसमें से हमें निकालना है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो गुणा भाग करा बस और निकल के आ गया 166 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो हेक्टेयर एरिया है इस व्हील या पाई डायग्राम में, 166 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, इतना परसेंट एरिया है ये, ठीक है, इतना एरिया है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 79 डिग्री का बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको क्यूमुलेट करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, 166 में ये 79 जोड़ दिया, ये आया, फिर आगे कैलकुलेट किया, इस 245 में ये ऐड कर दिया, ये आ गया आपके पास। ऐसे करते चलेंगे, लास्ट में 360 आना चाहिए, कम ना ज़्यादा, क्योंकि 360 डिग्री से कम साइकिल नहीं होता है ना ज़्यादा होता है, बात समझ रहे। और इसी के अनुसार फिर हम उस सर्कल को डिवाइड कर देंगे, पहला 166 डिग्री का डायग्राम, फिर इसी में 79 और ऐड कर देंगे, फिर उसी में 46.8 और ऐड कर देंगे। मेन हमारा ये उद्देश्य रहता है कि इसमें हम जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसको डिवाइड करते, उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। आपसे ये एग्ज़ाम में सवाल डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हील या पाई डायग्राम को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लैंड यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार डायग्राम। स्टार डायग्राम क्या है, अभी समझते हैं। इसका जो आकार है वो स्टार की तरह दिखता है, ये देखिए कुछ कुछ स्टार जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको स्टार डायग्राम बोलते हैं, जाहिर सी बात है क्या, अभी समझेंगे।
लेकिन इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे इसे क्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, इसे रोज डायग्राम भी बोलते हैं, इसे वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। ये सब इसी के अलग अलग नाम हैं, क्लॉक, रोज, वेक्टर, ये सब। इसमें क्या होता है कि कुछ एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, यहाँ से सभी आंकड़े आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हवाएं किस किस दिशा में चल रही हैं, हम इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अलग अलग लाइन या कॉलम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हम फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक साल में, जैसे ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब पूरे साल भर में किस दिशा में कितनी हवा चली है, उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बन सकता है। मतलब हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में हवा चले, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कर दिया और 5 बन गया। नॉर्थ में कम चली है और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा चली है, फिर इस तरीके से एक डायग्राम हम बना देंगे। किस चीज़ के लिए मेनली इस्तेमाल हो रहा है? फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड्स, हवा की कितनी फ्रिक्वेंसी रही है किस डायरेक्शन में, इसे हम मेनली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड्स के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, पवनों की आवृत्ति के लिए ही, बल्कि हम इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो हमारा व्यापार हो रहा है वो किस दिशा में कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में ज़्यादा है, ईस्ट में, वेस्ट में, किस दिशा में कितना ज़्यादा है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम स्टार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। मेन मकसद यह है कि हमें फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं स्टार डायग्राम, और इसमें भी फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड मेन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो अलग अलग यूजेज हैं इसके, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर का मतलब है प्रकीर्णन आरेख, प्रकीर्ण, स्कैटर माने होता है बिखरा हुआ, प्रकीर्ण, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कोरिलेशन, को रिलेशन यानी कि सह संबंध। सह संबंध क्या होता है? दो वेरिएबल से, मान लीजिए वेरिएबल माने चर, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ये रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, कृषि उत्पादन, बारिश में और किसान की कृषि खेती के उत्पादन में कोई संबंध है या नहीं है। अगर संबंध है तो कितना है, कैसे है, कैसा संबंध है, ठीक है। इस संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है कोरिलेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन। कोरिलेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दोनों डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम भी होता है हमारे पास, और हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना जुड़ा हुआ है, क्या वो परफेक्टली पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसे अगर बारिश के बढ़ने से क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है तो इसे हम कहेंगे 1, इसे नंबर देंगे हम 1+1, क्योंकि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। बारिश कम हो गई तो प्रोडक्शन भी कम होगा, तो इस संबंध को हम कहेंगे कि नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव है, और इसे हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना डिग्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई संबंध नहीं है दोनों में, अगर सपोज कोई ऐसे चीज़ें हैं जिनमें कोई संबंध नहीं है तो आप क्या कहेंगे, उसे 0, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस डिग्री को हम ऐसे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्कैटर डायग्राम से। एक एक्सिस वाई, एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये डायग्राम सीधे इस तरीके से अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। इसको नंबर दिया है 1। और ये नियर पॉजिटिव रिलेशन है या फिर ये वीक पॉजिटिव रिलेशन है, वीक, आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है ग्राफ, लेकिन एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं है, एक लाइन के आसपास, तो इसे कहेंगे वीक रिलेशन है।
अगर डायग्राम नीचे आता है इसका मतलब है कि वो नेगेटिव कोरिलेशन है, ये वीक कोरिलेशन है, ये मॉडरेट नेगेटिव है। और क्या आपको यहाँ पर कोई एक पैटर्न दिख रहा है? नहीं, इसलिए नो कोरिलेशन है। आपको डायरेक्टली मैच करने को भी दे सकता है डायग्राम, पॉजिटिव और वीक पॉजिटिव, नेगेटिव वीक नेगेटिव, मॉडरेट नेगेटिव और नो कोरिलेशन। इसका इस्तेमाल होता है मेनली किस लिए? दो वेरिएबल्स के डाटा को, उन दोनों डाटा को, उनके बीच में क्या कोई संबंध है या नहीं है। और सिर्फ संबंध को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, वो संबंध किस प्रकार का है, वो पॉजिटिव संबंध है या नेगेटिव है, इसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करना, किसे? कोरिलेशन को। ये बात आप सभी को समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? अब आगे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे जब आगे की क्लासेस आएंगे स्टैटिस्टिक्स की। अब आते हैं अर्गोग्राफ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई समस्या? फटाफट बताइए। अब आएगा अर्गोग्राफ। ये देखिए, ये है अर्गोग्राफ, ये है क्लाइमेटोग्राफ, क्लाइमो नहीं, क्लाइमेटो। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्गोग्राफ, अर्गोग्राफ क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का ग्राफ होता है जिसमें ग्राफिकल और ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम डाटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार का डाटा मेनली इस्तेमाल होता है, किस चीज़ का को हम रिप्रेजेंट करते हैं? किसी क्षेत्र की फसलों के क्षेत्रफल व वर्धन काल, किसी क्षेत्र में कितनी फसलें हुई हैं और उनका ग्रोइंग सीजन क्या है, और उस फसल के वहाँ की जलवायु से क्या संबंध है। अब जलवायु का मतलब तापमान, वर्षा, आपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता, इन सब से क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई फसल है, कोई वेजिटेशन है, तो उसका बहुत गहरा संबंध होगा वहाँ की क्लाइमेट से, वहाँ के वेदर से, है ना। तो किस सीज़न में फसलें कितनी ग्रो करती हैं और उनका उसके क्लाइमेट से क्या रिलेशन है, इस चीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें अर्गोग्राफ डायग्राम को बनाना होता है। ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ एन ए ऑफ एरिया एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ द क्रॉप ऑफ द री ऑफ ए रीजन विद द क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है अर्गोग्राफ। अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले कुछ, इन दिस ग्राफ देर आर सिम्बल्स फॉर 12 मंथ्स, जनवरी से लेके फरवरी, इस तरीके से मार्च अप्रैल, हम कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आलेख में जो मासिक वर्षा होती है, मंथली रेनफॉल, मंथली रेनफॉल को हम बार डायग्राम से पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तापमान व आपेक्षिक आर्द्रता को वक्रों के द्वारा, यानी कि जो कर्व्स हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फसलें क्रॉप होती हैं उनको अलग अलग आयत रेक्टेंगल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान इसमें मेनली रखना है कि इसमें हम किसी भी क्षेत्र की फसल, उसके क्षेत्रफल, ग्रोइंग सीजन और वहाँ की क्लाइमेट, इन्हें रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं अर्गोग्राफ के द्वारा। इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो ए गैडे ने किया था, ये नाम याद रखना, ए गैडे, ऑर्थर गेडेस। अब ये अर्गोग्राफ बहुत सारे अलग अलग तरीकों के होते हैं, एक तरीके का अर्गोग्राफ नहीं होता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट अर्गोग्राफ है ओगिलिव का। बाकी लोगों ने भी इसका संशोधन किया है, ओगिलिव का इम्पॉर्टेंट है, ओगिलिव का अर्गोग्राफ, ए जी ओगिलिव, 1938 में इन्होंने इसको थोड़ा सा संशोधन किया था। ठीक है, अलग अलग तरीके का अर्गोग्राफ है। अब इनके आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्नल में, एक जर्नल में, मद्रास ऑफ जोग्राफिकल सोसाइटी, ऑन द टेक्निक ऑफ रीजनल जोग्राफी। अब इसमें क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं, इस सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक एक ये सर्कुलर डायग्राम बनाते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
12 महीने हैं, और आप यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देख रहे हैं घंटे, आवर्स, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20 और 24, 24 घंटे होते हैं एक दिन में और 12 महीने होते हैं एक साल में। और ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये काम है कि हम कितना समय डोमेस्टिक काम में, घरेलू कामों में बिताते हैं, कितना समय हम सोने में बिताते हैं, कितना समय हम एग्रीकल्चर में बिताते हैं, और सोने में, सॉरी, शीप शीप रियरिंग है ये, और ये अदर एक्टिविटीज़। तो पूरे साल भर में अलग अलग महीनों में किस काम में कितना समय बिताया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओगिलिव का अर्गोग्राफ। पूरे साल भर में कितने घंटे किस काम में बिताए जाते हैं, किस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अर्गोग्राफ है, ओगिलिव का अर्गोग्राफ है, ठीक है। अब जैसे सोने के लिए, स्लीपिंग, स्लीपिंग के लिए ये वाला एरिया है, ये सोने में बिताया गया क्षेत्र है, मतलब सोने में बिताया गया समय है, ठीक है, बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यही चीज़ पीछे लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि महीनों के अनुसार दैनिक कार्यों की प्रकृति एवं उनके घंटों की अवधि को वृत्ताकार वक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सर्कुलर कंपाउंड ग्राफ भी इसको कह सकते हैं, सर्कुलर कंपाउंड ग्राफ। नेक्स्ट इसके बाद होता है क्लाइमेटोग्राफ और क्लाइमोग्राफ, क्लाइमेटो और क्लाइमोग्राफ। क्लाइमेटोग्राफ क्या है? क्लाइमेटोग्राफ आप एक बार दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, अभी एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटोग्राफ के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जो मासिक तापमान और मासिक वर्षा, यानी कि मंथली एवरेज टेम्परेचर, मंथली एवरेज रेनफॉल, इनके कंडीशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है क्लाइमेटोग्राफ। क्लाइमेट माने क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें, तो है ना। क्लाइमेटोग्राफ के द्वारा हम मंथली एवरेज टेम्परेचर, मंथली रेनफॉल, इन दो को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ टाइप टाइप ऑफ सर्कुलर ग्राफ। इरविन रेज ने और डिस्क्राइब एज ए स्पोक ग्राफ, इसको स्पोक ग्राफ के रूप में डिस्क्राइब किया। मुंस ने इसको मुंस के रूप में रिप्रेजेंट किया। हार्टशोन ने रिप्रेजेंट किया क्लाइमेटोग्राफ को अपने तरीके से। बर्च ने इसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया पोलर चार्ट के रूप में, क्लॉक ग्राफ के रूप में। अलग अलग लोगों ने इसमें अपने 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 हिसाब से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, लेकिन जो एक जनरल बात है कि इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, मंथली टेम्परेचर, मंथली रेनफॉल। मंथली टेम्परेचर एक एक्सिस पर और मंथली रेनफॉल दूसरे एक्सिस पर, ये दो बातें इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं, ये दो बातें आप याद रखेंगे। क्लाइमेटोग्राफ के जैसा ही क्लाइमोग्राफ होता है, ये क्लाइमोग्राफ है। क्लाइमोग्राफ में थोड़ा सा अंतर है, ये किसी भी क्षेत्र के वेट बल्ब टेम्परेचर से हम किसी भी क्षेत्र की जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजरमेंट करते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी क्षेत्र के औसत मासिक, एवरेज एंड एवरेज मंथली वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राम है क्लाइमोग्राफ, ये क्लाइमोग्राफ ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। ग्रिफिथ टेलर वही ग्रिफिथ टेलर हैं जिन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म दिया है, इनके नाम आप ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं आप बात, ग्रिफिथ टेलर। बस इतनी सी बात है इसमें। और क्लाइमोग्राफ आपको ये दिख भी रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर वर्टिकल एक्सिस पे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और आपका इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो मिला जुला परिणाम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि चार पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखने हैं, स्कॉर्चिंग, मगी, कीन और रॉ। रॉ का मतलब क्या है? रॉ का मतलब है कि ह्यूमिडिटी देखिए ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है, तो ये कम टेम्परेचर वाला लेकिन ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड कोल्ड रीजन है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, ह्यूमिडिटी भी कम है। ह्यूमिडिटी भी कम, टेम्परेचर भी कम कहलाएगा कीन, टेम्परेचर कम ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहलाएगा रॉ, टेम्परेचर ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम कहलाएगा स्कॉर्चिंग,
मगी का मतलब टेम्परेचर भी हाई, ह्यूमिडिटी भी हाई, ये लिखा हुआ भी आगे यहाँ पर। आप चाहें तो इनका टेम्परेचर और परसेंटेज जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो याद रख सकते हैं, ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मगी रॉ स्कॉर्चिंग कीन यहाँ पर लिखा हुआ भी है। मगी का मतलब है कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, रॉ का मतलब कोल्ड ह्यूमिड है, ये कूल ड्राई हॉट एंड ड्राई, ये याद रखना ज़रूरी है। आगे परसेंटेज और ये टेम्परेचर याद रखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में क्या नाम है ये भी याद रखना, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आता है लास्ट हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ भी एक स्पेशल टाइप का क्लाइमोग्राफी है, लेकिन इसमें अंतर थोड़ा सा यह है कि इसमें हम मीन मंथली टेम्परेचर और मीन मंथली रेनफॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ को? औसत मासिक तापमान, औसत मासिक वर्षा को रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, निर्देशांकों के द्वारा, ये कहलाता है हीदर ग्राफ। ठीक है, हीदर ग्राफ कहलाएगा। और हीदर ग्राफ को बनाने के लिए हम ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं, आपने बनाया भी होगा तो ये या आप याद रखेंगे। मानवीय क्रिया विशेषकर बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतरों का प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने ही इस हीदर ग्राफ को भी बनाया था। हीदर ग्राफ को भी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ही सबसे पहले बनाया गया था कि जो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है वहाँ पर रेनफॉल का क्या इफेक्ट रहता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ आपका ये जो कार्टोग्राफी है वो होती है समाप्त। अब इसके बाद आगे शुरू होगी रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। कार्टोग्राफी अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो यूनिट 9 का एक सेक्शन हो गया है कंप्लीट। समझ गए आप? क्लियर है सभी को बात? उस हीदर ग्राफ में मीन मंथली टेम्परेचर है, औसत है, तापमान का औसत, रेनफॉल का भी औसत, क्लाइमेटोग्राफ में औसत नहीं है, बस मंथली टेम्परेचर, मंथली रेनफॉल है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब आप रिवीजन कीजिए इस कार्टोग्राफी का, ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी, इसके नोट्स बनाइए, और इसके अलावा आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।